लिया अभी नहीं घूमा? बहुत अच्छा लगा। घूम लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कुछ खरीदा वरीदा है? नहीं खरीदा। प्रसाद तो चढ़ाई जाती है यार। प्रसाद को आपको दिखाते हैं कि मेले में किस तरह से रसकों की जो भीड़ है निरंतर बढ़ रही है और लगातार आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आप मेले प्रांगण के अंदर घुसे के बाई साइड में आए, आप पुरई से आए हैं। क्या नाम है आपका? तो प्रतिवर्ष आते हैं, इसी वर्ष आए हैं? तो दर्शन कर लिए महाराज जी? दर्शन हो गए। भारत विभिन्न संस्कृति विभिन्न भाषाओं का एक संगम है, यहाँ पर विभिन्न रिलीजियस के लोग रहते हैं। इसी तरह इस समय मैं बुंदेलखंड में मौजूद हूँ। बुंदेलखंड का ये झांसी और कानपुर हाईवे है। झांसी और कानपुर हाईवे के एकदम से किनारे पर, जस्ट हाईवे किनारे पर यहाँ पर एक मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है जिसको बजरंगबली कहते हैं। और ये आज बुढ़वा मंगल का पावन पर्व है और बुढ़वा मंगल के इस पावन पर्व के मौके पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर यहाँ बुंदेलखंड में अनेक स्थानों पर बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में, बुढ़वा मंगल के टाइम पर अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होते हैं वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में यहाँ पर भी मेले का आयोजन किया गया है, तो निरंतर हम आपको यहाँ के अपडेट देंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मंगल दर्पण पर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले बटन को दबा देंगे, जिससे इसी प्रकार से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं इस मेले का जो व्यू है कि किस प्रकार का मेला लगाया गया है, किस तरह की यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। कुछ दुकानदारों से भी हम प्रतिक्रिया लेने का काम करेंगे कि यहाँ पर दुकानदार हैं और जो दर्शक बंधु हैं वो क्या सोचते हैं इस मेले के बारे में और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं मेले प्रांगण के अंदर में और मैं मेले के बाहर ले जा करके आपको दिखाऊँगा कि कानपुर हाईवे है, झांसी कानपुर हाईवे के बिल्कुल जस्ट किनारे पर ये मेले का आयोजन होता है। और काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है, हालांकि समथिंग दोपहर का जब टाइम होता है तब यहाँ पर बहुत तेज भीड़ होती है, कोई निकल नहीं सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाईवे है और जब आप इस तरफ को जाएंगे तो इस तरफ आपको मिलेगा कानपुर और जस्ट ये सामने ये मंदिर है, मंदिर प्रांगण है आप देख सकते हैं। और जस्ट जैसे ही आप इस तरफ को बढ़ेंगे तो इस तरफ आपको मिलेगा ये झांसी। यहाँ से आप झांसी जा सकते हैं और उरई भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाईवे के एकदम से किनारे पर मंदिर है और अचानक दर्शकों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी और काफ़ी जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन के जो लोग हैं वो इस मेले का आयोजन में एकदम से लगे हुए हैं, जिससे कि किसी प्रकार से कोई अनहोनी या दुर्घटना घटित हो। उस वजह से एक साइड की बिल्कुल से गाड़ी को ब्लॉक करके, एक साइड के रोड को ब्लॉक करके तो गाड़ियां निकाली जा रही हैं। और गाड़ियां आप देख सकते हैं एक साइड को ही रोड को चालू कर रखा है और उसी साइड से गाड़ियों को बारी बारी के से निकालने का प्लान किया। तो अब हम चलते हैं मेले ग्राउंड के अंदर में और आपको दिखाते हैं कि मेले में किस तरह की दुकानें लगाई गई हैं और कुछ दर्शक बंधु हैं और उनसे हम प्रतिक्रिया लेने का काम करेंगे। आपका स्वागत है, कहाँ से आए हैं आप? पुरई से आए हैं। क्या नाम है आपका? तो प्रतिवर्ष आते हैं, इसी वर्ष आए हैं? तो दर्शन कर लिए महाराज के? दर्शन हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं मेला प्रांगण के अंदर और आपको दिखाते हैं कि मेले में किस तरह से दर्शकों की जो भीड़ है निरंतर बढ़ रही है और लगातार आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आप मेले प्रांगण के अंदर घुसेंगे बाएं साइड में एक अच्छी सी दुकान है और तो अब आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर एक खिलौने की दुकान है, कुछ लकड़ी का भी सामान है और इस साइड में आप देख सकते हैं एक दुकान है
विगत कुछ वर्षों से इस मेले में दो रास्ताएं बनने लगी हैं, और एक ये रास्ता है साइड में, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो दाहिनी साइड होते हुए मेले ग्राउंड के अंदर में आप आगे बढ़ेंगे, और एक एकदम जस्ट मेले के अंदर एकदम से जस्ट एकदम सामने से एक रास्ता है, और ये वाली रास्ता है, आप यहाँ देख सकते हैं चश्मा बेल्ट पर्स की यहाँ पर दुकानें हैं, कुछ झूले वगैरह हैं, अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, उस वजह से अभी झूले वगैरह बंद पड़े हैं, हल्के हल्के वक्त वगैरह आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ जो दर्शक बंधु हैं, हाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और एक यहाँ पर एक सॉफ्टी लगाई गई है, आदिल सुपर सॉफ्टी के नाम से दुकान है, और काफ़ी जंपिंग वगैरह है, और ये कुछ दर्शक बंधु हैं जो मेले का आनंद लेने का काम कर रहे हैं। हाँ, यहीं पर आए। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? सत्यम जी। कहाँ से आए हैं? सरसोकी से आए हैं। तो मेले को आपने घूम लिया? अभी नहीं घूमा। बहुत अच्छा लग रहा है। घूम लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ खरीदा वरीदा है? नहीं खरीदा है। बरसात तो चढ़ाई जाती है यार, दंगल होगा तब मजा आएगा। अच्छा, शाम को दंगल देखेंगे। चलिए चलिए, तो मंगल वेब WB। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी अभी ज़्यादातर भीड़ नहीं है मेले ग्राउंड के अंदर में, लेकिन आप देख सकते हैं और काफ़ी कुछ दुकानें हैं, और काफ़ी कुछ लोगों की हम अभी प्रतिक्रिया भी लेंगे, और अभी क्योंकि दो दुकानदार बंधु हैं काफ़ी एकदम से सन्नाटे में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो कस्टमर्स वगैरह हैं, जो दर्शक बंधु हैं, अभी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, जिससे क्या है कुछ लोग खाना भी खाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक ये बंधु हैं आप देख सकते हैं, अभी की दुकान काफ़ी हर तरह की यहाँ पर आपको दुकानें आपको मिल जाएंगी, तरह तरह की यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, तो जो दर्शक बंधु हैं यहाँ से जो ख़रीदारी कुछ करना चाहते हैं तो ख़रीदारी कर सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंगी लाल है। पतंगी लाल जी कहाँ से आए हैं? कालपी से आए हैं। कालपी से आए हैं। यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं है भाई, अभी सुबह से बताइए मेरा चालू कहाँ हुआ है? हाँसी जुकाम बुखार लगा है। हाँसी जुकाम बुखार, तो डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर ने टेबलेट दी होगी, उसको खाइए, टाइम टेबल से खाइए। सही जगह मिली है? जगह आउट मिली है, जगह तो क्या करेंगे, जगह तो कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी। चलिए, और हम आपको दिखाते हैं मेले का और जो नेक्स्ट व्यू है। हम संक्षिप्त में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेले की जानकारी करा सकें, तो हमारा यही प्रयास है कि एक ही दुकान है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दुकान लगा रखी है, और ये देखो एक खिलौने की दुकान लगा रखी है, बैठते वहाँ का अंदर, और ये देखिए काफ़ी दर्शक बंधु हैं, और ये घर गृहस्थी का सामान है, और यहाँ पर साथियों ने संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको मेले का जो व्यू है वो दिखाने का काम किया, और निरंतर चैनल पर बने रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।